नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में छेड़खानी का आरोप लगाकर दबंगों ने कर दी युवक की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। दो दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ समापन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को डीएम ने किया सम्मानित। भागलपुर प्रमंडल में सरकारी शिक्षकों की बड़ी मुश्किल, आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले देना होगा आवेदन, शिक्षकों में आक्रोश। दिन दहाड़े बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में की बमबारी, आधा दर्जन लोग हुए घायल। और नवगछा में अपराधी बेखौफ, पुरानी रंजिश में किसान को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोलाखुर्द निवासी रिपू पर हमला कर गांव के कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना की जानकारी जगदीशपुर थाना को कृष्णानंद सिंह ने लिखित आवेदन के माध्यम से दी। इसको लेकर कृष्णानंद सिंह ने कहा कि उनके बेटे रिपू सिंह पर गांव के ही कुछ लोगों ने छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया और इसी छेड़छाड़ का बहाना बनाकर कोलाखुर्द गांव के मनोज सिंह, वीर सिंह, आकाश सिंह, संजीव सिंह, अमित सिंह, विनीत सिंह एवं अन्य लोगों ने लाठी, डंडे एवं पत्थरों से रिपू सिंह पर हमला कर दिया, जबकि इसके बाद अधमरे अवस्था में उसे रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि खून से लथपथ रिपू को जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें माइगन अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही उन्होंने थानाध्यक्ष से आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी कर सजा दिलाने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इसके बाद पुलिस टीम इस मामले की छानबीन में जुट गई, जबकि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा एक आरोपी वीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर में बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह शनिवार को मनाया गया। कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन विभिन्न विधाओं एवं कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और प्रतिभागियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा को निखारने और आगे पढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि यह विभाग की सकारात्मक पहल है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आज दिव्यांग दिवस भी है, जहां जिले में भी बैटरी संचालित गाड़ियां दिव्यांगजनों को दी जा रही है, जबकि फिलहाल जिले में चयनित 13 लाभुकों को बैटरी संचालित व्हीलचेयर दी गई है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में और गाड़ियाँ आ जाने पर और भी जरूरतमंद दिव्यांगजनों को यह गाड़ी वितरित की जाएगी। स्तरीय प्रतियोगिता है, इसके बाद यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो राज्य स्तर पर जो है अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो DDC साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ और आज बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी है और अभी आपने देखा कि एक बच्ची जो कि मूक बधिर है, लेकिन अपने कला के माध्यम से कितनी बेहतर कलाकृति का उन्होंने निर्माण किया है, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर मैं सभी दिव्यांग अपने भाई बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की जो सभी सुविधाएं हैं वो तत्परता से हम उनको पहुंचाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी दिव्यांगजन हैं जो उच्च शिक्षा के लिए या अपने कामकाज के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाते हैं उनको बैटरी चालित रिक्शा देने का निर्णय किया है, तो पूरी सप्लाई हम लोगों के पास नहीं आई है। बहुत जल्दी हम लोग इसी महीने में लगभग 100 से ज़्यादा बैटरी चालित रिक्शा, ट्राईसाइकिल वगैरह ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिहार में सरकारी शिक्षकों की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। एक ओर जहाँ शिक्षक को अपने वेतन राशि को लेकर लगातार प्रदर्शन करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को कैजुअल लीव के लिए भी सरकार से सवाल करने की स्थिति बन गई है। दरअसल सरकारी शिक्षकों के लिए भागलपुर प्रमंडल से एक अनोखा फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले ही आवेदन देना होगा। यह आदेश भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले के शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, जिसको लेकर जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय और शिक्षकों के बीच कलह की स्थिति बन गई है। जबकि आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों में शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति आक्रोश का माहौल बन गया है। हालांकि इस मामले को लेकर DEO संजय कुमार ने शिक्षकों को इस विषय पर विभागीय स्तर पर बात करने का आश्वासन दिया है। वहीं अधिकारियों के इस अजीबोगरीब आदेश पर जब भागलपुर के मोक्षदा बालिका इंटर स्तरीय स्कूल की प्राचार्य बीना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अवकाश को लेकर आवेदन देना एक सकारात्मक पहल है, लेकिन आकस्मिक समय में किसी भी कर्मचारी के लिए 3 दिन पहले बताना संभव नहीं है। साथ ही प्राचार्य ने इस आदेश में संशोधन करने की बात कही है।
देखिए, ये 3 दिन फरमान पहले जो जारी हुआ है, एक तरह से तो विद्यालय संचालन के लिए अच्छा है, क्योंकि हमको पहले से नोन रहता है कि फलाने तिथि को फलाने टीचर जा रहे हैं, तो हम दूसरे टीचर को जाने से अगर उसकी ऐसी परिस्थिति ना रही तो हम उसको मैनेज करके चल सकते हैं, जैसे कि विद्यालय का काज बाधित नहीं होता है, वर्ग बाधित नहीं होता है। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी परिस्थिति आती है जो कि किसी को सडनली ज़रूरत हो जाती है, या तो उसके घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, या टीचर ही बीमार हो गए, घर में ही कुछ ऐसा हो गया कि जो कि उसको छुट्टी लेना ही पड़ेगा, उस स्थिति में हम रोक नहीं सकते हैं, उसको तो हमको देना ही पड़ेगा। नियम तो ये सही नहीं इसलिए लग रहा है कि हमारी नियमावली में ऐसा नहीं है कि हम पहले से छुट्टी 3 दिन पहले से, हम किसी भी एक्सीडेंट को नहीं जानते हैं कि हमारे पास साथ क्या होने वाला है। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ऊपर फिर से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। दरअसल बीते दिन भागलपुर के प्रमंडल कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय सामने आया कि ज़्यादातर सरकारी विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति देखने को नहीं मिलती है, जिसको लेकर उनके आकस्मिक अवकाश को लेकर जो है अब 3 दिन पहले ही आवेदन देना होगा। यानी शिक्षक अगर छुट्टी लेना चाहेंगे तो उन्हें 3 दिन पहले अपने अधिकारी को आवेदन देना होगा। साथ ही यह भी निर्देश आया है कि जो शिक्षक अपनी ड्यूटी के दौरान मौजूद रहेंगे उन्हें सेल्फी खींचकर भी भेजना होगा। अब ऐसे में एक तो शिक्षक जो लगातार अपने वेतन मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहीं अब उन्हें आकस्मिक अवकाश को लेकर भी विभाग को जवाब देना होगा। हालांकि इसको लेकर जो शिक्षक महकमे हैं उनमें आक्रोश का भी माहौल बना हुआ है, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को विभागीय स्तर से बात करने का आश्वासन दिया है। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए यीशुराज। भागलपुर के शाकचक भोलानाथपुर पानी टंकी के समीप दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या की नियत से बमबारी की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित संदीप कुमार उर्फ मोनू मिश्रा ने बताया कि पास के ही व्यायामशाला निवासी कैलाश यादव उर्फ कैला ने उनके ऊपर बम फेंक कर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि कैला यादव ने बीते दिनों उनके स्टाफ सिट्टू यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी थी और घटना में पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप भी उन पर ही लगा रहा था, जिसके बाद से कैला यादव लंबे समय से घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। मोनू मिश्रा ने बताया कि शाम के वक्त वह पानी टंकी के समीप खड़े थे, तभी बाइक सवार कैला यादव और उसके सहयोगी ने बमबाजी कर दी, जिसमें उनके बड़े भाई और एक महिला घायल हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर साक्षर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पीछा कर आरोपी कैला यादव को बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरी डीह इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कैला यादव एक नामजद आरोपी है, जिस पर चोरी लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं, जबकि इसको लेकर वह कई बार जेल भी जा चुका है। हम लोग पानी टंकी के आगे में खड़े थे, ये भैया इस साइड में खड़े थे, यहाँ पे पानी टंकी गेट के आगे में, तब तक इधर से मोटरसाइकिल पे दो युवक सवार था, जो आगे में था कैला यादव, हेलमेट पहना हुआ था और पीछे में एक और लड़का बैठा था, लेकिन वो मुँह में कुछ बांधा हुआ था, उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन आगे में कैला यादव बाइक चला रहा था, वो बोला मारो यहीं पे बम मारो, भैया के आगे में बम बजाने के बाद। कोई जख्मी हुआ है? जख्मी 10-15 आदमी को लगा, लेकिन मामूली जख्म है, थोड़ा सा कहीं पे कट गया, कहीं पे छिल गया। हम जाके वहाँ पे खड़े थे, 1-1.5 मिनट हुआ होगा, चाय पीने के लिए खड़े थे, तब तक दो ग्लैम्बर से कोई दो लड़का था, एक वो हेलमेट पहने हुआ था और एक वो मुँह ढके हुआ था पीछे वाला, वहाँ जाके गाड़ी धीरे किया, उसके बोला आगे वाला बोला एक फेंक यहीं फेंक, बस पटका बम, तब तक भागा आगे, तब तक हम दुकान आगे बढ़ के देखने की कोशिश की, तब तक भाग। कौन था वो लोग पहचान नहीं पाया। पुलिस जिला नवगछिया के गोसाई गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में अपराधियों ने किसान शिरोमणि यादव की हत्या की है। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर सक्रिय हुई नवगछिया पुलिस ने अपराधी की पहचान कर ली है, जबकि उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। इधर पुलिस का कहना है कि गुलशन यादव और देवांशु यादव ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आनन फानन में मृतक को इलाज के लिए नवगछिया अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर
डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए माइगन अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही शिरोमणि यादव की मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर मृतक किसान के पुत्र गोरीलाल यादव ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व घर में एक हत्या हुई थी, जिसका आरोप उन लोगों पर लगाया जा रहा था और इसी कारण दुश्मनी निकालने के लिए शिरोमणि यादव की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गोसाईगाँव में 5:50 में वो गोली चलाया। कब? कल शाम में। कौन चलाया गोली? गुलशन यादव और हरदवंशु यादव। कुछ दुश्मनी था? हाँ, ऐसे। क्या मामला था, काहे गोली मारा? मामला था, एक तो उसका चाचा था ना, पता था कि उसको मार दिए। कौन मारा था? मेरा भाई कहता है। अच्छा, मारा था दूसरे को आदमी फंसा रहा। अच्छा। इसी को थी में मार दिया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर पिपैती थाना परिसर में एसडीपीओ शिवानंद सिंह की अध्यक्षता में अपराध को लेकर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक की गई। वहीं अपराध संगोष्ठी में एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने थाना में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई करने और इसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने 300 पुराने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए गंभीरता से निष्पादन करने का निर्देश देते हुए सभी थानों में 50% से अधिक लंबित मामलों का निष्पादन 15 दिसंबर तक करने की बात कही, जबकि शेष कांडों का निष्पादन 15 फरवरी तक सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश अपराध संगोष्ठी में दिया। इसके अलावा मद निषेध से संबंधित अवैध शराब का निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं खरीद बिक्री को लेकर बॉर्डर थाना क्षेत्र के साथ बैठक करने और अविलंब अभियान चलाकर त्वरित कार्यवाही करते हुए वाहन चेकिंग करने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया। इधर कुर्की जब्ती एवं जब्त वाहन समेत कई मामलों का निष्पादन त्वरित गति से करने के साथ खनिजों का अवैध उत्खनन, अवैध रूप से परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं दियारा क्षेत्रों में पर्याप्त बलों के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला गया। शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। इस तरह का एक वाक्या भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया स्थित गोपालपुर प्रखंड में सामने आया है, जहां सैदपुर उच्च विद्यालय की जर्जर हालत से वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल यह है कि बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी टपकता है, जबकि इसके अलावा भी विद्यालय में कई तरह की कमियां हैं, जिससे नाराज स्थानीय युवा अब धरना पर बैठ गए हैं। एक और जहां बिहार में स्मार्ट क्लास और बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बदहाल शिक्षा व्यवस्था सरकार के इन सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक साल पहले बिहार के सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए स्क्रीन और लैपटॉप की व्यवस्था करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकारी विद्यालय अपने भाग्य पर आंसू बहा रही है। वहीं स्कूल की जर्जर हालत के खिलाफ युवाओं ने गोपालपुर सैदपुर उच्च विद्यालय के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण को लेकर सैदपुर में एक दिवसीय धरना दिया। बता दें कि इन स्कूलों में पीने के पानी, शौचालय, स्मार्ट स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं है, जबकि बिहार झारखंड के 16 प्रखंड में 45% स्कूल की स्थिति बद से बदतर बताई जा रही है। हालांकि DEO संजय कुमार का कहना है कि जर्जर भवनों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था को बेहतर कर स्मार्ट स्कूलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में छेड़खानी का आरोप लगाकर दबंगों ने कर दी युवक की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। दो दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ समापन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को DM ने किया सम्मानित।
भागलपुर प्रमंडल में सरकारी शिक्षकों की बड़ी मुश्किल या आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले देना होगा आवेदन, शिक्षकों में आक्रोश। दिन दहाड़े बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में की बमबारी, आधा दर्जन लोग हुए घायल। और नवगछा में अपराधी बेखौफ, पुरानी रंजिश में किसान को मारी गोली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।